नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ये हमारा जुनून है। की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे जोशी मठ कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। जोशी मठ में लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे उनके घरों के बीच दरारें हैं। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। कल उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी। दरअसल जोशीमठ का अस्तित्व ही खतरे में है और जोशीमठ पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। हवाई सर्वे कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि स्थिति गंभीर है। ऐसे में केंद्र की तरफ से भी टीम बनाई गई है जो 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। और अभी तक जब कल हाई लेवल मीटिंग पुष्कर सिंह धामी ने की थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी प्राथमिकता ये है कि लोगों का पुनर्वास किया जाए और इसके लिए एक टीम का गठन हो चुका है। पुनर्वास अस्थायी पुनर्वास केंद्र भी बन चुका है जिसमें लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। और जो एक्सपर्ट्स टीमें हैं वो कह रही है कि टनल के अंदर गैस इकट्ठा होने की वजह से घरों के बीच में दरारें या पानी का रिसाव हो रहा है। फिलहाल जो पुष्कर धामी की हम सीएम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम बकायदा वहां पहुंचने से पहले टॉप एंगल से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो उनका उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों से उनका जुड़ाव, उस तरीके से वो लगातार हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं कि कैसे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। सर्दी का मौसम, लोगों के घर पे मुसीबत और ऐसे में जाके अस्थायी केंद्रों में रहना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इस वक्त हम पुष्कर धामी की तस्वीरें आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जोशीमठ ये वो शहर है जो भारत चीन सीमा पर देश का आखिरी शहर, और जोशीमठ जहां पर जिस टनल की हम बात कर रहे थे दरअसल उससे बद्रीनाथ यात्रा की दूरी कम हो जाती। लेकिन विकास के नाम पर क्या किसी शहर को इस तरीके से फैक्ट्री बना देना, जो लगातार अलग अलग वर्गों से लोगों ने पहले आंदोलन किया था। लेकिन इस बीच स्थिति गंभीर है, इसी का चिंतन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। और तस्वीरें जो लगातार आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से वो एरियल सर्वे कर रहे हैं। और एरियल सर्वे के बीच आपको ये भी बता दें कि पूरे जोशीमठ में इस वक्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम तहसील जोशीमठ में मौजूद हैं लेकिन तस्वीरें लगातार यहीं से हम आपको एरियल सर्वे की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त एरियल सर्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मीटिंग भी ली थी, कल 6:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग ली थी और तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए थे। आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट कर दिया गया था। साथ आपको बता दें कि कई कमेटियां गठित की गई हैं उत्तराखंड के जोशीमठ में। तबाही की आशंका के बीच धामी सरकार एक्शन में है और देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ का दौरा कर रहे हैं और जोशीमठ पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। और ऐसे में लोगों के बीच पहुंचेंगे और जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जाएगी। और फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे, हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो एरियल सर्वे कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में उन लोगों के बीच में भी पहुंचेंगे जो कि इस वक्त नाराज हैं, परेशान हैं। साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने एक मीटिंग ली थी, सीएम प्रभावित इलाकों में जाकर हालात का जायजा भी लेने वाले हैं। इससे पहले सीएम ने कल अगर बात करें तो एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन के अधिकारी शामिल हुए थे। सीएम ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। सीएम राहत कोष से प्रभावित लोगों के किराए के मकान में रहने के लिए हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे, ये जानकारी दी है। साथ साथ आपको बता दें 6 महीने तक लगातार ये मदद मुहैया कराई जाएगी। और जोशीमठ के कोने कोने में इस वक्त जानकारी मिल रही है और लगभग 8 जो राहत शिविर है वहां पर देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया भी पहुंचा था कि किस तरह के वहां पर इंतजाम किए गए हैं। परिवार वहां पर मौजूद है और ऐसे में परिवार हैरान परेशान है, वो आतुर है अपने घरों को लौटने को। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, रातों में बड़ी बड़ी दरारें, पहाड़ों के दरकने की आवाजें आती हैं और ऐसे में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जोशीमठ के मनोहर पार्क से जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए दरारें जहां अभी सीएम क्रॉस कर रहे हैं उसके आसपास भी नजर आ रही है। लेकिन अहम यह है कि जिस तरीके से जोशीमठ के हालात बने हुए हैं उस बीच खुद सीएम यहां पुष्कर सिंह धामी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। जोशीमठ के तमाम इलाकों में गहरी दरारें, जमीन फट रही है, दीवारें फट रही हैं। और यहाँ तस्वीर देखिए कि गौशाला के पास फिलहाल सीएम जो है वो रुके हुए हैं और मनोहर पार्क उन तमाम जगहों में से एक है जो कि हाईली अफेक्टेड है। इन इलाकों की बात करें, सिंहधार जो गांधीनगर का इलाका है और रविग्राम इलाके हैं, इनके साथ साथ ये भी एक हाईली अफेक्टेड इलाकों में से है। और यहाँ
तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री धामी को, जो फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, हाल जान रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, कैसे यहां पर क्या हो रहा है, ये तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको सीएम नजर आ रहे हैं गौशाला की तरफ जाते हुए। आप बाहर की तरफ से भी देखेंगे तो बड़ी दरारें आपको गौशाला के बाहर भी नजर आएंगी, और इसी तरीके की तस्वीरें जोशीमठ के तमाम इलाकों से सामने आ रही है। कल एक हाई लेवल मीटिंग सीएम धामी ने की थी और उसके बाद खुद आज वो इस पूरे इलाके का निरीक्षण करने के लिए, जो तमाम लोग हैं अफेक्टेड लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे फिलहाल आप देख रहे हैं कि धामी पहुंचे हैं जोशीमठ, जो कि फिलहाल खतरे की जद में है। पूरे के पूरे जोशीमठ अगर बोले कि खतरे की चपेट में है तो कहना गलत नहीं होगा। इसी को लेकर कई कड़े फैसले कर लिए गए जिनमें यह कहा गया कि डेंजर जोन को पूरी तरीके से खाली कराना है, किस तरीके से लोगों की शिफ्टिंग करनी है, कितने हाईली फैब्रिकेटेड जो इलाके हैं पहले से बनाकर तैयार करने हैं कि अगर ज्यादा लोगों को उसमें शिफ्ट करना पड़े तो क्या हालात रहे। यहाँ आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं फिलहाल एक गौशाला जहाँ पर लोग अपने गाय भैंसों को बांधते हैं, उस जगह पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। और जाहिर तौर पर जिस जगह पर अभी पुष्कर सिंह धामी है, मैं एक तस्वीर आपको पहले बाहर की भी दिखा दूं। देखिए जहाँ पर तमाम उनका जो काफिला है, जो तमाम लोग खड़े हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि दरारें आपको नजर आ रही हैं, और यही दरारें जो है वो चिंता का सबब है पूरे राज्य के लिए, क्योंकि जोशीमठ की तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पार्टिंग हो रखी है, पूरी जमीन ही दो हिस्सों में यहाँ पर फट गई है। ये साइड के आप देखिए कि ये पूरा एक हिस्सा होता था, अभी बिल्कुल अलग अलग हो गया है। और इस बीच क्योंकि जाहिर तौर पर लगातार पिछले एक हफ्ते से खास तौर पर बात की जाए तो जोशीमठ पर खतरा मंडरा रहा है, उसी के बीच यहाँ पर सीएम धामी पहुंचे हैं, जो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मनोहर पार्क की ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ से आगे भी वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने गाड़ी का काफिला ऊपर छोड़ वो यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी गौशाला के अंदर मौजूद है कि काफी लोग वहां पर हैं जो जाहिर तौर पर उनको अपनी परेशानी यहां पर बता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ इंतजाम और करने चाहिए उसको लेकर जाहिर तौर पर पहले लोगों के साथ आज मुलाकात है, उसके बाद यहां के जो ऑफिसर्स हैं वो SDRF की टीम हो या जो तमाम राहत कार्यों में लगी हुई राहत प्रबंधन आपदा राहत प्रबंधन की जो टीम है उनके साथ इसके बाद मीटिंग भी होनी है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जोशीमठ पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हाई लेवल मीटिंग के बाद आज खुद यहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। प्लान ये है कि वो जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर जाएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। फिलहाल भी आप देखें कि तमाम अफसर जो है उनके साथ नजर आ रहे हैं, SDRF की टीम यहां पर पहले से ही तैनात है। कल से NDRF के लिए भी बोल दिया गया है, नेशनल डिजास्टर की जो ये रिलीफ फोर्स NDRF है वो भी यहां पर मौजूद रहेगी, यानी कि कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करा जा रहा है जोशीमठ को। उसके अलावा 600 से ज्यादा भवन घर जो है उनको बताया गया है कि वो खतरे में है, उनके लिए क्या इवैक्यूएशन प्लान है, कैसे उनको कहां शिफ्ट करना है, ये भी प्लानिंग होनी है। देखिए रविग्राम इलाके की अगर बात करें 161 भवन घर वहां पर खतरे की जद में बताए गए हैं, ऐसे ही 36 परिवार, कहीं 80 मकान, इस तरीके का पूरा एक डेटा सर्वे के द्वारा लगातार राज्य सरकार जो है वो इकट्ठा कर रही है। ये तस्वीरें मनोहर पार्क की आप देख रहे हैं जहां पर सीएम जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, दिक्कतें देख रहे हैं। और ये देखें आप किस तरीके से ये गौशाला का आगे का हिस्सा जब मैं आपको दिखा रहा, देखिए किस तरीके से इसको रोका गया है, लकड़ी खंभों की मदद से रोकने की कोशिश की गई है, टिल्टेड दिख रहा है, बाहर की तरफ ही गहरी दरारें दिख रही हैं। और ये तस्वीरें जो है केवल इस इलाके की नहीं बल्कि जोशीमठ के ज्यादातर इलाकों में यही हाल है, लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि पहले हल्की दरारें, कब गहरी दरार हो जाती है, उसके बाद कब दीवार ढह जाती है, लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं लगता है और डर के साए में जी रहे हैं। इंतजामों को नाकाफी भी बता रहे हैं प्रशासन के, लेकिन आज जब खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे तो जाहिर तौर पर लोगों के पास अपनी शिकायत, अपने दर्द रखने का भी उनके पास टाइम होगा और मौका होगा। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस अफसर की मौजूदगी है, तमाम आला अफसर जो यहाँ पर हैं, SDM DM इलाके के जो पार्षद हैं। और अब देखिए बाहर की तरफ आते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पूरे इलाके का गौशाला का मुआयना वो करते हुए अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। और ये बिल्कुल स्लोप का पूरा इलाका, जो पूरा ढलान से में ये पूरा इलाका बना हुआ है, जाहिर तौर पर एक बार ऊपर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो जोशीमठ की संरचना को समझिए कि पहाड़ पे बसा हुआ जोशीमठ कहा जाता है कि इसे गेटवे ऑफ हेवन कहा जाता है, बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के लिए ये इसकी स्टार्टिंग। लेकिन तस्वीरों में फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि सीएम धामी जो है देखिए किस तरीके से एक एक चीज को नोट करते हुए, नजर पे रखते हुए, क्योंकि लोग उन्हें बता रहे हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं, लोगों से सुन रहे हैं उनकी
क्या जरूरतें हैं और प्रशासन को क्या काम करना चाहिए जिससे कि लोगों को राहत मिले। लेकिन एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए खुद लोगों के बीच यहाँ पर वो आए हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पूरी गौशाला में कुछ देर रहकर कि वहां पर किस तरीके की दिक्कत है, वहां के लोगों से पूछकर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा स्लोपी एरिया है, लेकिन यहाँ पर भी बीच बीच में दरारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और ये पूरा एरिया जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ इस वजह से है क्योंकि जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं कि अफेक्टेड रहे हैं उनमें ये इलाका भी है। तस्वीरों में लगातार आपको सीएम जो है हम दिखा रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं और साथ साथ पूछते हुए भी चल रहे हैं कि इलाके की समस्याएं क्या है, क्या अब तक इन चीजों जगहों के लिए कर लिया गया है प्रशासन की, अगर सबको यहां से विस्थापित करना पड़ जाए या वो तमाम भवन या तमाम घर जिनमें दरारें हैं उनको विस्थापित करना पड़ जाए तो क्या उसके लिए प्लान है, क्या प्लान बी तैयार है कि नहीं। ये तमाम चीजें जो अफसरों के साथ जो तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ डिस्कस हो रही हैं और यहाँ से अब दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं सीएम, और जाहिर तौर पर क्योंकि आज का ये पूरा जो प्लान है वो यही है कि लोगों से बातचीत करेंगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेंगे कि किस तरीके से दिक्कतें रह रही है और प्रशासन की क्या काफी मदद मिल पा रही है, तमाम ऐसी चीजें जो ध्यान देने लायक है। और यहाँ आप देखें आप घरों की तरफ आ रहे हैं, ऊपर आप देखिए, पहले तो इसी घर का मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, देखिए हल्की दरार इस घर के भी बाहर नजर आ रही है। ये तस्वीरें बिल्कुल आम है, बाहर आप जहां भी देखेंगे देखिए टूटे हुए आपको नजर आ रही है। और इन्हीं का मुआयना करने के लिए खुद सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं, घरों को देखते हुए, बिल्डिंग्स को देखते हुए, भवनों को देखते हुए वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहां एक तरीके से कहा जाए तो खुद सर्वे कर रहे हैं। मेरी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, देखिए भवन जिसको वो क्रॉस कर रहे हैं उसमें भी दरारें हैं, उसको भी देखते हुए कि किस तरीके से हल्की दरारें भवन के बाहर ही हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा समय हम लोगों को भी लगेगा क्योंकि जाहिर तौर पर उल्टी सीढ़ियां हम लोगों को उतरनी पड़ रही है, लेकिन फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि सीएम जो है वो किस तरीके से लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा जो खतरा या ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो घरों पर हो रहा है और व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है कि सबके सबको विस्थापित कर दिया गया है। बीच बीच में रास्ते में दरारें नजर आ रही हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या तस्वीरें देखें। अच्छा यहाँ पर रुक गए हैं सीएम और यहाँ पर इस घर को ही देखने के लिए रुक गए हैं जहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि लगातार बाहर की तरफ ही दरारें पड़ रही थी कि लोगों ने उन्हें रुका उनको दिखाने के लिए और यहाँ पर सीएम रुक गए हैं क्योंकि आज के इस विजिट का पर्पज ये है कि एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस खुद लें, एक सर्वे खुद वो कर रहे हैं कि किस तरीके की परेशानियां हैं लोगों को, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर रही है सरकार और प्रशासन से इस वक्त, क्या कुछ ऐसा है जिसको लेकर कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि घर के अंदर अब सीएम जो है वो पहुंच गए हैं और अब लोगों से वहां बात कर रहे हैं क्योंकि लोग दिखाना चाहते हैं कि उनके घर में कितना नुकसान हुआ है और वहां आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि खुद सीएम जो है वो अंदर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं उनकी सिक्योरिटी बाहर है, एक एक दीवार में कितनी दरारें हैं, कितनी गहरी दरारें हैं, किस खतरे से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, इसकी सीधी तस्वीरें आपको देख रहे हैं। देखिए पूरा पूरा जो सिक्योरिटी इनकी है वो साथ साथ चल रही है और सीएम अभी घर के अंदर मौजूद है क्योंकि ऐसे कोई घर नहीं नजर आ रहे जिनमें थोड़ा बहुत नुकसान ना हुआ हो या दरारें ना हो। देखिए पहले इसी तरीके से हल्की दरारें होती हैं, उसके बाद वो गहराती जाती हैं और एक दिन हालात ऐसे होते हैं कि दीवार गिरने की पोजीशन पर आ जाते हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए आगे की तरफ अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे बढ़िए आप लोग और सीधा सीधी तस्वीरों पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप जो सीएम है वो आगे की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए पहाड़ों की संरचना कुछ तरीके की होती है कि रोड के किनारे एक आध घर और उसके बाद पूरी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि अभी भी देखिए वो घर के अंदर मौजूद हैं, देख रहे हैं कि क्या लोग उन्हें दिखाना चाह रहे हैं, किस तरीके की कंप्लेंट्स और किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। और ये तस्वीरें अब थोड़ी देर में बाहर यहां से आने वाले हैं। इसके बाद मैं एक नीचे के इलाके की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, कैमरा पर्सन राकेश नेगी अगर आपको दिखा पाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जरा ये रास्ता भी देखिए कि कहां से आगे की तरफ बढ़े। ठीक है सीएम आगे की तरफ यहीं से बढ़ रहे हैं और आगे क्या मकान, कितने भवन, कितने क्या असर हो रहा है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अगले भवन पे यहाँ पर पहुंच गए, घर है बेहद पारंपरिक घर जिस तरीके से उत्तराखंड में घर बनते रहे हैं उस तरीके की एक तस्वीर दिख रही है, यानी कि घर ये जाहिर तौर पर पुराना होगा और स्ट्रक्चर से जो लग रहा है, लेकिन क्या नुकसान हुआ है वो यहाँ के लोग उनको दिखाना चाह रहे हैं, साथ में तमाम उनके साथ शासन प्रशासन के अधिकारी हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अब आगे के यहाँ, क्योंकि जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो बनी हुई है वो लोगों के घरों में दरारों की ही है,
लोगों की दीवारों में दरारें हो रही हैं, जमीन में दरारें लगी हुई हैं, जमीन पटी हुई है और ये तस्वीरें आप मनोहर पार्क की देख रहे हैं। देखिए एक बार रास्ता मैं आपको नीचे दिखाऊं तो किस तरीके से रास्ता पूरा है, जहां से नीचे जाने की तैयारी अभी फिलहाल हो रही है। यहां से पूरी की नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों के मकान हैं जो कि अफेक्टेड हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई उनकी बात को सुनने के लिए आए। देखिए लगातार सर्वे हो रहे हैं और सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि 600 से ज्यादा भवन घर ऐसे हैं जो खतरे के निशान में है। कल 2 होटल्स को बंद करवाया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज नजर आ रहे थे। कल उसकी तस्वीरें भी न्यूज इन इंडिया पे हमने आपको दिखाई थी कि वहां डैमेज होने की वजह से उन्होंने पूरा सामान अपना निकाल लिया, किस तरीके की कोई बुकिंग्स नहीं ले रहे, लेकिन इसके साथ साथ 600 से ज्यादा भवन जो खतरे की जद में लगातार बने हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मनोहर पार्क इलाके से, उत्तराखंड के जोशीमठ के इस इलाके से। फिलहाल इंतजार की सीएम जो है इस घर के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए वो आगे आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लोगों के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बाद वो सीधे तौर पर एक अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और आगे का एक्शन प्लान जो है वो वहां से डिसाइड होगा। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए आपकी अभी जो इंतजार हो रहा है वहां पर, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार जो है तमाम जो लोकल हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी बात सुनने के लिए खुद यहां पर सीएम आ जाएंगे, बिना किसी बैरियर के वो ये बात कर पाएंगे। और ऐसे में ये सीधी बातचीत उनके साथ की जा रही है। यहाँ से नीचे ले जाने का प्लान था लेकिन क्योंकि उनको वहां रोका गया तो वो 2 भवनों में जाकर फिलहाल लगातार आपको तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं कि पहुंचे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह की ये तस्वीरें जो है वो उनको देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ मनोहर पार्क से, जहां पर सीएम फिलहाल भवन के अंदर गए हुए हैं। और देखिए अधिकारियों के साथ दिखा रहे हैं जोशीमठ से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो घरों में दरारें आई हैं, पानी का रिसाव हो रहा है तो स्थिति गंभीर है, इसी का आकलन करते हुए यहां पर पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर, क्योंकि टीम भी गठित कर दी गई है जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से जो केंद्र को 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पहले ही हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं और लोगों की पुनर्वास के लिए वहां पर पैसे 4,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। मेरी सहयोगी प्रियंका ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो आगे की जानकारी साझा करेंगी। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं मनोहर पार्क और यहां पर वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि अभी इस भवन के अंदर पुष्कर सिंह धामी गए थे और बाहर निकल रहे हैं। ये घर आप देख रहे हैं एक पारंपरिक घर, उत्तराखंड का घर, जिस तरीके के गांवों में अभी घर देखने को मिलते हैं पुराना घर, लेकिन क्या डैमेजेस हुए हैं, क्या कुछ हानियां हुई है उसको देखते हुए, कितनी दरारें, क्या कुछ नुकसान, देखिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सीधा लेने की कोशिश, क्योंकि ये एक निजी तौर पर सर्वे भी कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ पूरी उनकी टीम है। जाहिर तौर पर लोग जो है अपने घर की अपनी दिक्कतें दिखा रहे हैं और फिलहाल पुलिस जो है वो मैनेज कर रही है कि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो आसपास, जाहिर तौर पर सिक्योरिटी का भी मामला है। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि फिर से एक भवन के अंदर फिलहाल सीएम धामी चले गए हैं दोबारा। देखिए बाहर से भी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि घरों के बाहर दरारें पड़ी हुई हैं, घरों के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, जमीन पटी हुई है, ऐसी इतनी गहरी दरारें हैं कि 2 हिस्सों में जमीन नजर आने लगी है। अब यहां से नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पूरा इलाका जो है बेहद स्लोप में है, नीचे की तरफ है। और यहां जब आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां सीढ़ियों से भी हम उतर रहे हैं, यहाँ पर भी दरारें जो है वो नजर आ रही हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि कुछ 2-3 दिनों के गैप से ज्यादा 2-3 दिन हो गए हैं जब से ये दरारें कुछ ज्यादा ही नजर आने लगी हैं। कल एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और उसके बाद ये खुद यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आज का प्लान ये है कि वो तमाम पीड़ित परिवारों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद एक और मीटिंग यहाँ के तमाम अधिकारी शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ ली जाएगी, जिसमें ये क्लियर होगा कि आगे का एक्शन प्लान क्या है। तमाम अधिकारियों के साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और आगे की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो देखिए नगर पालिका का इलाका है और इस बसावट में बसा हुआ है कि यहाँ से देखिए यहाँ जो लोग हैं वो हमें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो दरारें हैं वो पड़ी हुई है। और यहाँ आप देखें कि सीएम जो आ रहे हैं वो पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, कहाँ पर रुक रहे हैं ये कोई इम्प्रॉम्प्टो प्लान है, क्योंकि जो प्रस्तावित प्लान था
उसके अलग से उससे अलग से भी वो जा रहे हैं लोगों के बुलाने पर और देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। जाहिर तौर पर लोगों के बीच में लोगों के कई सवाल लोग उन्हें दिखाना चाहते हैं और ये ही लगातार आगे की तरफ फिलहाल बढ़ते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए तीन चार दिन से यहाँ हाल ज्यादा खराब है, लगातार जो जमीनें हैं वो दरक रही है, भूत हसाव हो रहा है और यहाँ उन्हें दिखाने के लिए एक महिला रुकी थी कि क्या स्थिति बनी हुई है। वहीं पर पुष्कर सिंह धामी फिलहाल पर पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं। देखिए पूरे इलाके के जो तमाम पीड़ित परिवार हैं उनकी बातों को सुनते हुए, क्योंकि जोशीमठ का मोर और लेस अगर कहा जाए तो पूरा इलाका ही प्रभावित नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ से अब आते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पूरा रास्ता भी जरा आप देखिए कि किस तरीके का सकरा रास्ता है जहां से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। पहाड़ के नीचे की तरफ फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जहां पर पूरे इस इलाके की बसावट है। ये घर यहाँ स्लोप डाउन में बने हुए हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोगों से बात भी कर रहे हैं, जो रास्ते में उनको अभिवादन उनसे कर रहे हैं, उनसे वो अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि असल कारण आज यहाँ कोई रैली नहीं है बल्कि लोगों के बीच पहुंचकर ये देखने की है कि किस किस विपदा से जोशीमठ के ये लोग जो है वो गुजर रहे हैं और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड सर्वे भी अगर कहें खुद सीएम के द्वारा तो ये गलत नहीं होगा। आप जरा तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि जिस रास्ते में मैं चल रही हूं उस रास्ते में भी किस तरीके की दरारें, रास्ता टूटा पड़ा है और यही रास्ता है वो जो लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जरा नेगी जी दिखाएं किस तरीके का ये रास्ता बना हुआ है जो लोगों के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता है। ये तमाम वो चीजें हैं जो नोट की जा रही है कि जो आगे की फ्यूचर प्लानिंग होगी उसमें किस तरीके से इन चीजों को इन्वॉल्व किया जाएगा। ये देखिए नीचे पूरी बसावट है जिनके पास सीएम धामी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि क्या कुछ यहाँ देखें कि ये कंस्ट्रक्शन का काम है या ये टूटा हुआ है, ये तमाम जानकारी नीचे पहुंचकर ही फिलहाल मिलेगी। लेकिन यहाँ देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम देखते हुए हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोग अगर उन्हें दिक्कतें बता रहे हैं उनके घर की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे देख रहे हैं और यहाँ लोगों में कौतूहल तो है ही, लेकिन जाहिर तौर पर जिनके घर टूटे हुए हैं, जिनके घरों में दरारें हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब थोड़ा इलाका बहुत देखिए मैं लगातार आपको बता रहे हैं कि यही पहाड़ का जीवन है जिसकी बात हम करते हैं। यही पूरा इलाका देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब सीएम आएंगे तो बताएंगे कि क्या कुछ दिक्कत उन्हें यहाँ पर हो रही है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अब आपको दिख रहे हैं यहाँ से सीएम जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। पूरा रास्ता इस तरीके का बना हुआ है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे पीछे बढ़ने की जगह यहाँ से नहीं है। लेकिन पूरे इलाके में क्या कुछ टूट फूट हुई है, ये कंस्ट्रक्शन है, क्या किस तरीके की दिक्कतें हैं, वो सब दिखाने की कोशिश भी यहाँ से करें। देखे उधर आपको उस तरफ नजर आएंगे, वहां पर फिलहाल रुके हैं क्योंकि महिलाओं ने रुका है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, वहां पर महिलाएं बात करना चाह रही थी इसलिए यहाँ पर सीएम जो है वो रुक गए हैं, महिलाओं से बात कर रही हैं। महिलाएं जो इस घर में खड़ी थी इंतजार कर रही थी कि सीएम आए और उनकी भी बात सुने, तो महिलाएं अब उनसे बात कर रही हैं और महिलाओं की बात सुनते हुए देखे सुन रहे हैं, वो पूछ रही हैं, उन्हें बता रहे हैं। देखिए आप देखें महिला जो हाथ जोड़कर उन्हें बता रही है, उनका घर उस तरफ है, वहां पर कुछ टूटा हुआ है, वो उनको बताने की कोशिश कर रही हैं। धामी जो है उनकी बात को सुन रहे हैं, उनकी डायरेक्शन में देख रहे हैं कि कहां वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं और यही पर्पस है इस पूरी विजिट का कि वो लोगों के बीच पहुंचे। और देखिए सीधी तस्वीरें आपको जोशीमठ के गुलमोहर पार्क से दिखा रहे हैं जहां सीएम पहुंचे हुए हैं। ये जरा इलाका आप देखिए जिस जगहों पर ये पहुंचे हुए हैं और यहां से देखिए पूरा रास्ता यहीं से आपको ब्रेकेज नजर आ रही है और यहाँ पर आप देखें जहाँ पर फिलहाल लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, दरारें यहाँ पर नजर आ रही है। मुख्य समस्या इस वक्त जोशीमठ की किनारे किनारे में मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरीके से जहाँ से नीचे जाने का ये रास्ता है वहां पर घरों के बाहर की क्या स्थिति है। हर एक शख्स चाह रहा है कि सीएम उनके घर तक पहुंचे क्योंकि जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री है, लोगों के चुने हुए
मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जो भी लोग बीच में मिल रहे हैं उनकी बात सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ एक बार फिर। पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक स्लाइड आइडिया यहाँ से आपको देते हैं कि देखिए कितने ऊपर से ये नीचे की बसावट है। ऊपर से नीचे की तरफ हम आए हैं, यहाँ पर अब लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं और यहाँ आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं। जो आसपास क्या जिस जगह से वो फिलहाल क्रॉस हो रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी टाइटन अप की गई है और ये तस्वीरें आपको पूरी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि देखिए आप पीछे की तरफ राकेश नेगी से मैं कहूंगी जरा पहले, क्योंकि रास्ता संभल कर हमें खुद चलना है, ये पहाड़ का इलाका है। उप्स, अच्छा यहाँ खुद आप यहाँ आराम से, अब यहाँ पर जाहिर तौर पर ये इलाका वैसा है नहीं जिसपे आप बेहद आराम से एक तरफ देखते हुए चल पाए, तो हाई सिक्योरिटी सीएम की है और उसके बीच पीछे सीएम भी आ रहे हैं। राकेश नेगी अगर आप थोड़ा रास्ता दिखा पाएंगे किस तरीके के रास्ते से होते हुए हम और हमारे पीछे सीएम धामी आ रहे हैं, तो ये रास्ता जरा आप गौर फरमाएंगे। यही हम बात करें कि पहाड़ों का जीवन वैसे ही आसान नहीं होता है और उस पर अगर इस तरीके की आपदाएं आए तो जाहिर तौर पर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ नीचे की तरफ गांव की तरफ जो पूरा इलाका है वहां की तरफ सीएम बढ़ रहे हैं। नीचे जाते जाते रास्ता थोड़ा थोड़ा खतरनाक भी होता जा रहा है। हमारे लिए भी रास्ता थोड़ा मुश्किल है। आराम से आराम से, यहाँ यहाँ रास्ता जिस तरीके का हम बता रहे हैं और लोग यहाँ रह रहे हैं तो हमें जाहिर तौर पर आना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों के बीच सीएम भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर अगली जगह की जहां पर सीएम आने वाले, लेकिन इससे पहले तस्वीर है राकेश जी, ये तस्वीरें जरूर दिखाइए जहां पर सीएम फिलहाल आने वाले हैं, वो किस तरीके की दरारें यहां पड़ी हुई हैं। यही दरारें इन्हीं जगहों का मुआयना करने के लिए खुद सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। इस पूरे घर की हालत अगर देखें आप तो किस तरीके से दोनों तरफ दरारें नजर आ रही हैं, गहरी दरारें नजर आ रही हैं और यहाँ से यहाँ फिलहाल पूरा एक प्रोजेक्ट आपको दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि क्या देखने असल में आ रहे हैं। सुन, मैं इसके ऊपर और देखिए अब आपको सीधी तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि इस घर के हालात जो है बिल्कुल ठीक नहीं। देखा आगे की तरफ भी देखेंगे गैप सा नजर आ रहा है और इसके अलावा दरार पूरी नजर आ रही है वहीं जहाँ वो खड़े थे। पीछे देखे यहाँ एक तस्वीर यहाँ पे देखिए कि ये दरारें जो हम आपको जोशीमठ के अलग अलग इलाकों में दिखा रहे हैं यहाँ पर भी देखिए जरा, जो हम लगातार कह रहे हैं कि आंगन से दीवार जो है वो पूरी अलग हो जा रही है। तो तस्वीरें और देखे यहाँ पर लोग जो है वो रुके हुए हैं, सीएम भी खुद पहुंच गए देखे यहाँ पर और यहाँ पर आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि सीएम धामी पूरे इलाके का मुआयना करते हुए देखते हुए क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि मोर और लेस एक देखे यहाँ पर देखिए ये जिस जगह से हम क्रॉस हो रहे हैं वहां पर इस तरीके की दरारें बिल्कुल आम है और इसीलिए ये हाईली अफेक्टेड इलाकों में से भी एक है। देखिए किस तरीके से स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है, ऊपर देखे टाइल टूट गए हैं, कितना गैप है और किस तरीके से वो जो सीएम है वो खुद इस चीज को देख रहे हैं कि कहाँ पर वो मुआयना कर रहे हैं, क्या चीज उनको दिख रही है। और यहाँ देखे छोटी बच्ची वहां दिखी है घर के पास और उसको फिलहाल देखते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, उसे सुन रहे हैं कि क्या दिक्कत है। परिवार की जो महिला है वो बता रही है कि क्या प्रॉब्लम है और उसको सुनते हुए यहाँ पर फिलहाल सीएम धामी नजर आ रहे हैं। यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महिला जो है वो बात कर रही, बच्ची से बात कर रही है कि क्या दिक्कत है। देखिए क्या बात हो रही है ये सुनते हैं। देखिए बच्चे जो हैं उनसे बात करने के लिए रुक गए हैं। तो बच्चों को यहाँ समझाते हुए कि उनके तमाम मदद के लिए वो वहां पर पहुंच गए हैं और अब इस घर के अंदर जाते हुए तस्वीरें आप
देख रहे हैं, ये या आंगनबाड़ी स्कूल यहाँ पर आंगनबाड़ी है जिसके अंदर फिलहाल वो जाते हुए, और यहाँ पर क्योंकि तमाम सिचुएशन जो है जो तमाम सिचुएशन है वो किस तरीके की यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ अभी अंदर गए हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी में भी हालात जो है वो खराब है उसी तरीके के जैसे कि पूरे जोशीमठ में फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको आंगनबाड़ी की दिखा रहे हैं। अंदर जाके सारी चीजों का जायजा ले रही है, साथ में और देखिए सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि अंदर पहुंच गए हैं आंगनबाड़ी के, वहां क्या समस्या है। आंगनबाड़ी वो जगह जिस पर जिम्मा होता है छोटे बच्चों की न्यूट्रिशन से लेकर तमाम तरीके की, और वहां अंदर फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अंदर सीएम धामी पहुंच गए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं। और ये पूरे इलाके की अगर बात करें बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आंगनबाड़ी, वहां पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं, घरों को देखते हुए जा रहे हैं, महिलाओं से उन्होंने बात करी, बच्चों से उन्होंने बात करी, बच्चों को बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, परिवार सारा साथ रहे। और अभी फिलहाल तस्वीरें कि वो अंदर गए हैं, अंदर का मुआयना कर रहे हैं, मनोहर पार्क का ये पूरा इलाका ऊपर से लेकर ये शुरू हुए हैं जहां पर उनका काफिला ऊपर और सड़क जो है वो देखिए आप सीधे तस्वीरें